नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जुलाई शुक्रवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के बेरोजगारों के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भर्तियां निर्बाध तरीके से कैसे पूरी हो, इसकी रिपोर्ट 15 जुलाई तक भेजी जाएगी। अपनी सिफारिशों के साथ अब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भर्तियों से जुड़े सभी पहलुओं का गहराई से परीक्षण कर लिया गया है। आज सचिवालय में भर्तियों को लेकर गठित कमेटी की 2 घंटे बैठक हुई। पूर्व RPSC चेयरमैन ML कुमावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अनावश्यक विलंब करने वाले सभी पहलुओं पर मंथन हुआ है। भर्तियों को लेकर कमेटी ने संभावित कानूनी अड़चनों पर मंथन किया। अब कमेटी 15 जुलाई तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इससे जुड़े बिंदुओं का आज फाइल पर अनुमोदन हुआ। नागौर जिले के मौलासर थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी सुमन कुलहरी ने बताया कि युवती के पिता ने मकराना तहसील के गांव भरनाई निवासी जयराम व केरपुरा बदलिया निवासी हरदेवाराम सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि हरदेवाराम अपने भांजे जयराम की शादी उसकी पुत्री से करवाना चाहता था। आरोप है कि हरदेवाराम वगैरह ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया और बाद में जबरदस्ती जयराम से उसकी शादी करवा दी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सास बहू के ताने और कहासुनी तो सबने सुनी होगी, लेकिन एक वीडियो ऐसा सामने आया है जिसमें सास बहू बीच सड़क पर एक दूसरे से बाल नोचती दिखाई दे रही हैं। मामला हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा थाने तक भी पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक चांदी गांव की रहने वाली रोशनी अपनी बहू और बेटों के साथ रहती है, लेकिन बहू ने सास पर कोई तंज कसा। इसके बाद दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई का एक वीडियो भी सामने आया है। सास रोशनी ने लाखन माजरा थाने में शिकायत दी है, लेकिन यहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। रोशनी के चेहरे, पीठ और कमर पर चोट के निशान है। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में राहत देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में शुक्रवार सुबह 46,617 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी दौरान 59,384 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वहीं राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 5,09,637 रह गई है। उत्तर भारत के बड़े मंदिरों में शामिल प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट 70 दिन बाद आज शुक्रवार को अनलॉक हो गए। कोरोना गाइडलाइन की पालना में मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज के सानिध्य में अल सुबह मंगल आरती हुई। मंदिर में पंडितों ने बालाजी महाराज का पंचामृत अभिषेक कर सोने का चोला चढ़ाया। इसके बाद श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश दिया गया। कोरोना महामारी के चलते 15 अप्रैल से 2.5 माह बंद रहा आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को कलेक्टर के निर्देश के बाद कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यहां सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर खोले जाने की स्वीकृति के साथ ही श्रद्धालुओं सहित कोरोना की मार झेल रहे होटल धर्मशाला संचालकों व दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बांसवाड़ा जिले के गड्डी थाना क्षेत्र के मादलदा गांव में वाटा में एक कॉलेज छात्रा ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। नागौर जिले के हरनावा गांव में देर रात में अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोर 3 घरों से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 10 लाख की नकदी उड़ा ले गए। चोरों ने इतनी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। गांव के पोकर राम, कालूराम व छोटू राम के घर में चोरी हुई है। गर्मी ज्यादा होने के चलते तीनों घर के सभी लोग छतों पर सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोर घरों में खिड़कियों की जाली और दीवार तोड़कर अंदर घुसे। तीनों घरों से करीब 10 लाख नकद और 5 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई है। चोर तीनों घरों से चोरी कर आराम से चलते बने। सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस गाँव में पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर जिले के बांसुर थाना क्षेत्र के बहरोड की तरफ जाने वाले रोड पर एक हादसा हो गया, जहां अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत होने की जानकारी दी गई है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई थी।
पंजाब के फिरोजपुर में फाजिलका सड़क पर गांव लालचिया के पास दो बाइक पर सवार लुटेरा गिरोह के सदस्यों ने हथियारों के बल पर दिल्ली से आए व्यापारियों से लाखों रुपए लूट लिए और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लुटेरों ने एक फायर व्यापारियों की कार पर और दूसरा फायर हवा में किया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लुटेरों को पकड़ने के लिए सारा एरिया सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि दिल्ली से आए विनोद गोयल और उनके दो व्यापारी साथी अपनी हेक्टर प्लस गाड़ी पर फाजिलका से फिरोजपुर की ओर जा रहे थे। तब वह गांव लालचिया के पास पहुंचे तो दो बाइकों पर चार लुटेरे आए। लुटेरों ने व्यापारियों से बैग छीन लिया और बैग में लाखों रुपए थे। पुलिस फिलहाल पता लगाने का प्रयास कर रही है कि लुटेरे कितना कैश लूट कर ले गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने दो अलग अलग आदेश जारी कर हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ सहित जयपुर पीठ व निचली कोर्ट में 5 जुलाई से फिजिकल व वीसी के जरिए नियमित सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन के नए निर्देशानुसार हाईकोर्ट व निचली कोर्ट परिसर में वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी। वहीं उन लोगों को एंट्री में छूट रहेगी जो मेडिकल कारणों से वैक्सीन की डोज नहीं लगवा पाए हैं। नए निर्देश के अनुसार वकीलों, एडवोकेट, क्लर्क व पक्षकारों को वेबसाइट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा और एंट्री से पहले सर्टिफिकेट को गेट पर दिखाना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने नए केसों की फाइलिंग फिजिकल व वीसी के जरिए हो सकेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.